सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद कोटा से ही हूँ, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। और जहाँ तक बात है चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो पिछले 7 सालों से चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मैं यहाँ कोटा में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। और चंबल जो नाम है वो मेरे दिमाग में इसलिए आया इस फेस्टिवल के लिए, क्योंकि चंबल नदी है और वो राजस्थान से होकर के बहती है, गुजरती है, तो इसीलिए फेस्टिवल का नाम चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रखा। चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करने के पीछे मेरे 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो ये कि दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड और क्रिएटिव फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ अपनी फिल्मों के ज़रिए लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं चाहता था कि इतने सारे जो टैलेंटेड और क्रिएटिव फिल्म मेकर्स हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। और हमारा जो फेस्टिवल है उसमें 2 दिन का हमारा फेस्टिवल होता है, जिसमें लगभग 5-6 हज़ार ऑडियंस 2 दिन के फेस्टिवल में रहती है। तो जो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, जो अच्छी कहानियाँ कह रहे हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए, उन्हें हम चाहते हैं कि उन्हें अच्छे ऑडियंस भी मिले, अच्छे दर्शक भी इस तरह की फिल्मों को देखें, तो लोगों को भी पता पड़ेगा कि किस तरह की कहानियाँ, किस तरह की फिल्में, किस तरह के कॉन्सेप्ट, कॉन्टेंट, आइडिया इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म मेकर्स बना रहे हैं अपनी फिल्मों के अंदर। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो मेरा ये है कि हमारा जो खूबसूरत शहर है कोटा, उसे मैं इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना चाहता था। और फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो कि ग्लोबली बहुत ही फेमस है, लोग सभी फिल्म देखना बहुत बहुत पसंद करते हैं। तो मैं चाहता था कि हमारा जो खूबसूरत शहर है उसका टूरिज्म, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट हो, ताकि आने वाले टाइम में इंडिया के बाहर के फिल्म मेकर्स कोटा में आए, फिल्मों की शूटिंग की जो पॉसिबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर किया जा सके और कोटा शहर एज अ फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट हो सके। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि कुछ नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म मेकर से मेरी बात चल रही है, और वो जब यहाँ पर आते हैं हमारे 2 दिन के फेस्टिवल में, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको पूरा शहर घुमाएं और यहाँ की खूबसूरती से इंस्पायर होकर के, अट्रैक्ट होकर के वो अपनी फिल्म की शूटिंग यहाँ कोटा के अंदर करने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जो एफर्ट्स मैं और मेरी पूरी टीम पिछले 7 सालों से यहाँ पे कर रही है, उसके चलते कोटा फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट हो सकेगा। हमारे फेस्टिवल के अंदर सभी कैटेगरीज के अंदर फिल्म्स हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, म्यूजिक वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, एनिमेशन फिल्म्स, ये सभी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर सब अपने फिल्म्स भेज सकते हैं। उसके अलावा स्टोरी, स्क्रीन प्ले और पोइट्री, सॉन्ग, ये सब भी हमारी कैटेगरीज रहती हैं। इसके अलावा एनिमेशन में जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने डिजिटल पेंटिंग, कैरेक्टर डिज़ाइन, एनिमेशन डिज़ाइन, VFX स्टोरी, फोटो स्टोरी, तो इस तरह की कई सारी कैटेगरीज हैं एनिमेशन की भी। तो हर जगह से हमारे पास बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन होता है। और इस साल जो 19th और 20th जनवरी को हमारा 7th सीज़न हुआ था, उसमें 82 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन था और 1007 प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए थे जिनको सेलेक्ट कर करके और हम लोगों ने वहाँ पर स्क्रीन किए थे। एनिमेशन शॉर्ट फिल्म्स भी हमारे यहाँ एक कैटेगरी है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एनिमेशन शॉर्ट फिल्म्स के अलावा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट फिल्म मेकर्स हैं जो इंडिया के कई सारे एनिमेशन स्कूल से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सभी अपनी एनिमेशन फिल्म्स हमारे यहाँ भेजते हैं, तो डेफिनेटली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म्स की भी एक कैटेगरी है। और इसके अलावा भी जैसा कि मैंने पहले बोला कि एनिमेशन की और भी कई सारी कैटेगरीज हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन हमारे फेस्टिवल के अंदर है। 2018 में जब फर्स्ट टाइम मैंने फेस्टिवल किया था तो हमारे पास 28 कंट्रीज की 316 फिल्म्स थी, और जब 2024 में हमने हमारा 7th सीज़न किया तो हम 82 कंट्रीज तक पहुंच गए और 1007 फिल्म्स थी। अब जनवरी 2025 में जब हम हमारा 8th सीज़न करने जा रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर देन 90 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन होगा और 1100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमारे फेस्टिवल में लास्ट डेट सबमिशन की होती है 30th नवंबर, लेकिन फिल्म मेकर्स के बीच में हमारा फेस्टिवल काफ़ी पॉपुलर है, और वो इतना पॉपुलर है कि लास्ट डेट निकलने के बाद 1 दिसंबर से ही 2 साल बाद की जो एंट्रीज हैं वो आनी शुरू हो जाती है। मतलब लास्ट ईयर जब 2023 के अंदर 30th नवंबर को हमारी लास्ट डेट थी, तो 2025 के लिए हमारे पास एंट्रीज 1 दिसंबर 2024 से ही आनी शुरू हो गई थी।
तो फेस्टिवल कंक्लूड होने के पहले ही फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म्स हमारे पास, अपने प्रोजेक्ट्स हमारे पास भेजना शुरू कर देते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि इतने सारे जो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं उनके बीच हमारा फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है, और उन सब की वजह से ही हमारा फेस्टिवल आज बहुत बहुत सक्सेसफुल है। सईद कादरी सर जो कि बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने लिखे हैं पिछले 20-22 सालों के अंदर। क्षितिज तारे सर जो काफ़ी फेमस सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। रंजन दास सर राइटर डायरेक्टर और एडिटर हैं, काफ़ी काम किया है उन्होंने भी। ये हमारे ऑनरेबल जूरी मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। और इसके अलावा स्वर्गीय श्री सुरेश नाइक सर, वो भी हमारे जूरी मेंबर थे जिन्होंने कैमरा डिपार्टमेंट और एज अ स्पेशल इफेक्ट कोऑर्डिनेटर लगभग 50 साल से भी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ये सभी हमारे जूरी मेंबर्स रहे हैं, तो इनके लिए भी बहुत टफ हो जाता है क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, इतने अच्छे फिल्म मेकर्स अपनी कहानियाँ कह रहे हैं, उनके लिए भी कई बार टफ हो जाता है कि कौन सी फिल्म को सेलेक्ट किया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, किस फिल्म की स्क्रीनिंग की जाए। तो एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन है कि जूरी मेंबर्स को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं फिल्म्स को सेलेक्ट करने में, स्क्रीनिंग के लिए भी, अवार्ड्स के लिए भी। तो ये एक अच्छा साइन है, जहाँ पर कॉम्पिटिशन अच्छा होता है तो वहाँ डेफिनेटली सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। शॉर्ट फिल्म मेकर्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज की तारीख में हैं, जैसे जो अच्छे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं वहाँ पर वो लोग अपने फिल्म्स को भेज सकते हैं। उसके अलावा पिछले 3-4 सालों में OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी कई सारी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स आपको देखने को मिलेंगी। और वैसे भी आप देखें तो कई सारे डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट फिल्म्स के साथ में शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे वो लोग फीचर फिल्म्स की तरफ बढ़ते हैं। जब आप शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं तो एक आइडिया आपको मिल जाता है, फिल्म मेकिंग आपको आती ही है, तो एक शॉर्ट फिल्म के ज़रिए आप अपनी फिल्म को लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। तो जब आप इस तरह का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म जो कि इंटरनेशनली कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर जब स्क्रीन होती है तो ये कहीं ना कहीं आपकी फीचर फिल्म के लिए एक शो रील का भी काम करता है। तो जैसे कल को अगर आप कोई फीचर फिल्म बनाते हैं तो डेफिनेटली अगर शॉर्ट फिल्म आपने उससे पहले बना रखी हैं तो डेफिनेटली आपको एक उसका फ़ायदा मिलता है, एक शो रील आपकी तैयार रहती है। तो शॉर्ट फिल्म करना एक अच्छी बात है क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स बहुत ही कम वक्त के अंदर अपने मैसेज को कन्वे करने में कामयाब हो जाती है। तो डेफिनेटली शॉर्ट फिल्म्स तो सालों से बनती आ रही हैं, अभी भी बना रहे हैं और लोग आगे भी बनाते रहेंगे क्योंकि इससे एज अ फिल्म मेकर वो काफ़ी इवॉल्व होने का मौका उनको मिल जाता है। मैंने भी कई सारी शॉर्ट फिल्म्स की हैं और मेरी फिल्म्स को कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में ग्लोबली काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। रिसेंटली मेरी 2 फिल्म्स दृष्टि और हसरत हैं जो कि लगभग 25-30 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर कई सारे अवार्ड्स लेकर आई हैं। इंडिया में तो उन्हें अवार्ड्स मिले ही हैं, बाकी कई सारी कैटेगरीज में उन्हें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, इटली, मलेशिया, सऊदी अरबिया, कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर मेरी फिल्म्स ने बहुत अच्छा किया है। अलग अलग कैटेगरीज में इन दोनों ही फिल्मों ने कई सारे अवार्ड जीते हैं और अभी रिसेंटली मेरी ये दोनों ही फिल्में एमएक्स प्लेयर, अमेजोन प्राइम यूएस यूके, एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, हंगामा, इस तरह के 5-6 अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्ट्रीम भी हो रही हैं। और शॉर्ट फिल्म्स करने का एक अलग मज़ा होता है और जो भी मैंने अभी तक 7-8 शॉर्ट फिल्म्स की हैं मुझे बहुत मज़ा आया है। हमारी टीम ने मिलकर के बहुत मेहनत की है और सब ने मिलकर के एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया है, इसीलिए मेरी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं वो ग्लोबली भी कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स भी ला चुकी है और एट द सेम टाइम जो हमारी ऑडियंस है ऑडियंस को भी हमारी फिल्में बहुत बहुत पसंद आई हैं। तो मज़ा आता है शॉर्ट फिल्म्स करने में और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से हमारी पूरी टीम शॉर्ट फिल्म्स कर रही है अच्छी अच्छी, तो डेफिनेटली आगे भी ये सिलसिला जारी रहे। जी बिल्कुल, मेरे अभी 100 से ऊपर पोएम्स, आर्टिकल्स ये नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर और मैगजीन में पब्लिश हो चुके हैं और जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो डेफिनेटली टाइम निकल ही जाता है। तो अगर फिल्में बनाने के लिए मेरे पास वक्त है, फिल्म फेस्टिवल करने के लिए मेरे पास वक्त है, या मैं पोइट्री लिख रहा हूँ, या आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, या बुक्स लिख रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मेरे पास वक्त है, तो वो इसलिए है क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है और हर इंसान का कोई पैशन होता है। तो जब आप अपने पैशन के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं तो वक्त तो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है।
इसीलिए इन सब चीज़ों को मैं एक साथ मैनेज करने का प्रयास करता हूँ। और रिसेंटली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो कोटा से ही पब्लिश होता है, कोटा कोला, जो उसके अंदर मैं फिल्म रिव्यूज़ भी लिखता हूँ, तो उसको भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो जब आपके इंटरेस्ट की चीज़ होगी तो डेफिनेटली टाइम तो निकल ही जाएगा। इस साल की फेस्टिवल को लेके भी काफ़ी अच्छा एनकरेजमेंट है, लोगों के बीच में बहुत इंटरेस्ट है फिल्म मेकर्स के बीच में, और अभी तक अराउंड 350 फिल्म हमारे पास आ चुकी हैं और 30th November इसकी लास्ट डेट है। तो आई होप कि दिस टाइम वी विल बी क्रॉसिंग द मार्क ऑफ 1100 फ्रॉम मोर देन 90 कंट्रीज। तो इस बार का बहुत अच्छा चल रहा है फेस्टिवल और धीरे धीरे हम लोग पिछले 7 सालों में ग्रो करते रहे हैं। तो लेट्स होप कि ईश्वर की कृपा रही तो आगे और भी अच्छा इस तरह से करते रहेंगे। अभी तक हमारे यहाँ जो फिल्म फेस्टिवल हुए हैं पिछले 7 सालों में, उसमें जैसे हमारे जूरी मेंबर हैं ऑनरेबल सईद कादरी साहब, ऑनरेबल क्षितिज तारे सर, ऑनरेबल रंजन दास सर, वो सब आ चुके हैं हमारे यहाँ फेस्टिवल में। उसके अलावा आज से 4 साल पहले इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स के लिए, श्वास नाम से मराठी फिल्म है, उसके जो डायरेक्टर हैं संदीप सावंत सर, वो भी हमारे यहाँ फेस्टिवल में आए थे 2020 में। इसके अलावा पिछले कुछ समय में और भी कई सारे बड़े लोगों ने हमारे यहाँ शिरकत की है, जैसे इस साल जो हमारा फेस्टिवल हुआ था 2024 में, उसमें ऑनरेबल ओम बिरला सर जो कि स्पीकर लोकसभा रहे हैं, वो इस बार चीफ गेस्ट आए थे। तो प्रशासन से, पुलिस से, पॉलिटिकल फिगर जो हैं वो सभी हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल के अंदर आ चुके हैं। और पिछले 7 सालों में हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल के अंदर इंडिया के फिल्म मेकर्स तो आए ही हैं, उसके अलावा इटली, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, रशिया, लातविया, बांग्लादेश, ओमान, US, इसराइल, इन कई सारी कंट्रीज़ के फिल्म मेकर्स आए हैं। तो अच्छा लगता है जब इतने बड़े बड़े लोग हमारे फेस्टिवल के अंदर आते हैं, तो जो फिल्म मेकर्स हैं उनको भी अच्छा लगता है कि एक बहुत अच्छे लेवल पे जो हम इस फिल्म फेस्टिवल को कर रहे हैं वहाँ पर इतने बड़ी पब्लिक फिगर भी आ रही हैं, तो डेफिनेटली उनको और भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। दुनिया में बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं, भारत में भी बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और सभी लोगों का फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, लेकिन हमारे फिल्म फेस्टिवल के अंदर एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये है कि जितने भी फिल्म मेकर्स हमारे यहाँ फेस्टिवल अटेंड करने के लिए आ रहे हैं उनको हम लोग 2 दिन की फ्री हॉस्पिटैलिटी देते हैं। उनको एक बार सिर्फ कोटा यहाँ पर अपनी फिल्म लेकर के आना है, उसके बाद में उनका 2 दिन का होटल का स्टे, उनका रिफ्रेशमेंट, डिनर, सब कुछ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उनका 1 रुपया भी यहाँ पर आने के बाद इन सब चीज़ों के लिए खर्च नहीं होता है, क्योंकि उन सभी का अरेंजमेंट हम लोग कर देते हैं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सपोर्टर्स का, हमारे स्पॉन्सर्स का, जो हमारे होटल पार्टनर हैं, फूड पार्टनर हैं, उन्होंने मेरे इस विजन को समझा, और जो पिछले इतने सालों से यहाँ का मीडिया, उन्होंने मेरे विजन को समझा। तो सभी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, चाहे यहाँ का मीडिया हो, हमारे स्पॉन्सर्स हों, सपोर्टर्स हों, कोटा की ऑडियंस हो, तो सब मिलकर के बहुत एक अच्छा माहौल यहाँ पर रखते हैं। और जितने भी फिल्म मेकर्स यहाँ पर आते हैं जिनको हम 2 दिन की फ्री हॉस्पिटैलिटी देते हैं वो भी बहुत बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यूजुअली इस तरह की चीज़ें उन्होंने दूसरे जगहों पर नहीं देखा होता। तो हमारा इसको इस ढंग से ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, तो हम एक वेल प्लान्ड मैनर में बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज ढंग से इस फेस्टिवल को करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी फिल्म मेकर आ रहा है, भाई कोई बाहर से आ रहा है, कोई इंडिया के किसी कोने से आ रहा है, ईस्ट से या वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से, तो जब इतने दूर से वो लोग हमारे शहर में आते हैं तो वो हमारे गेस्ट हैं। और जैसा कि हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो हमारे लिए अतिथि है, तो हम पूरा पूरा प्रयास करते हैं, हमारी पूरी टीम प्रयास करती है, सपोर्टर्स प्रयास करते हैं कि उन्हें यहाँ कोटा में आने के बाद किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो उनके लिए। तो इसलिए उनका स्टे का, खाने का, ये सारी चीज़ें सबके सपोर्ट से हम लोग मैनेज करते हैं, और इस चीज़ के लिए वो भी बहुत खुश रहते हैं कि उनको एक बहुत ही अच्छा VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। यहाँ पे आने के बाद में हम उन सभी के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं जो कि हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी है, तो उनको भी एक अच्छा लगता है बात कि भाई हम अपनी फिल्म लेकर के एक अच्छे फिल्म फेस्टिवल में आए हैं, इतनी ऑडियंस मिल रही है और अच्छी फ्री हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, खातिरदारी हो रही है, तो डेफिनेटली किसको अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए शायद ये भी एक रीज़न है कि हमारा फेस्टिवल इतना ज़्यादा पॉपुलर है फिल्म मेकर्स के बीच में,
कि वो ये देखते हैं कि उनकी अच्छी फिल्मों को देखने के लिए अच्छी ऑडियंस भी है, और साथ ही साथ हमारा जो अरेंजमेंट है उनको ठहराने का या उनके खाने पीने का वो भी बहुत अच्छा है। सुशांत सिंह राजपूत जी बहुत ही अच्छे एक्टर थे और उनका इतना जल्दी जाना दुखद तो है ही सही, साथ ही ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये एक इंडस्ट्री का नुकसान है कि इतना अच्छा एक्टर इतने कम उम्र में हमें छोड़ करके वो चले गए। तो उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, उनकी जो फिल्में हैं वो वाकई बहुत काबिले तारीफ रही हैं। स्पेशली उनकी परफॉर्मेंस चाहे फिल्म कोई भी हो उसमें उन्होंने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और डेफिनेटली उनके पास एक काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर था। लेकिन अब होनी को कुछ और मंजूर है, कुछ और ही मंजूर था, तो उनका जाना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सदमा भी है, झटका भी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और वो अपने प्रशंसकों के बीच, अपने फैंस के बीच, उनके चाहने वालों के बीच अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी एक्टिंग के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरी बात को सुना। आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़िए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इससे जुड़ते हैं तो। और हमारी पूरी टीम मिल करके बहुत मेहनत कर रही है एक अच्छे लेवल पर एक अच्छा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करने की। हमारे फेस्टिवल की ऑफिशियल वेबसाइट www.ciff.co.in है, तो अगर आप भी एज अ फिल्म मेकर या एज ए ऑडियंस कैसे भी अगर आप इस फेस्टिवल से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़िए, हमें बहुत बहुत खुशी होगी। और मुझे सुनने के लिए, मेरी बातों को जानने के लिए, हमारे फेस्टिवल के बारे में जानने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।